स्वागत है आपका। एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें हम लोग आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बात करेंगे, फिर एक्चुअल जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसके बारे में बात करेंगे, और इन जनरल जो है रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ करना है आज के हिसाब से, उसको क्या क्या फैक्टर होते हैं उसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे जो रेफ्रिजरेशन और हीट पंप का है, और इनोवेटिव कंप्रेसर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये एक लेक्चर में हम कवर करेंगे ये रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्योंकि ये काफ़ी कुछ पहले जो हमने कम्प्लीटली जो वेपर पावर साइकिल पढ़ा है, किस तरह से सैचुरेशन सिस्टम को या सैचुरेशन डोम को हमें यूज़ करना है, वेपर और लिक्विड कंप्रेशन जो बैक एंड फोर्थ साइकिल में चलता है उसको हमने समझा है, तो उसी के बेस पे आपका ये जो वेपर कंप्रेशन रिफ्रेशन साइकिल है इसको हम लोग आगे इस पे ही बेस पे बनेगा। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा हम समय स्पेंड नहीं करेंगे, बट कुछ एग्जांपल करेंगे जिसके आप सबको समझ में आए कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो होता क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने हीट इंजन की बात की थी कि भाई जब अगर हीट दिया जाता है तो हीट को कम्प्लीटली वर्क पे कन्वर्ट करने के लिए आपको एक स्पेशल एक डिवाइस चाहिए होता है जिसे हमें हीट इंजन कहते हैं। उसी तरह से आपको ये पता है कि भाई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जो है हीट फ्लो होता है। अगर आपको उल्टा करना है जिसमें कि आपको लो टेम्परेचर से हीट जो है वो हाई टेम्परेचर पर ले जाना है, तो फिर नेचुरली आपको एक अलग सा कुछ डिवाइस करना पड़ेगा जिसमें कि एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और ऐसे स्पेशल डिवाइसेस को हम लोग रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जिसमें आ रहा है इसमें आपको एक अलग से एडिशनल वर्क करना पड़ता है, वर्क नेट चाहिए होता है जिससे कि आप जो QL जो है हीट है जो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करें अंदर से, जिससे कि आपको कोल्ड रेफ्रिजरेटर स्पेस जो है वो मेंटेन रह सके, और फिर इसको करके आप यहाँ पर रिजेक्ट करें जो कि वार्म एनवायरनमेंट है। तो इस स्पेशल डिवाइस को हम लोग रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसमें भी चार प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, चार तरह के। उसी तरह से आपका ये हीट पंप भी है। हीट पंप में भी सेम चीज़ है कि भाई आपके बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड होगा जैसे सर्दियों में है, और घर को आपको मेंटेन करना है एक वार्म टेम्परेचर पे, तो नेचुरली आपको अलग से कुछ वर्क करना पड़ेगा जो बाहर से एक्सट्रैक्ट करता है हीट, और फिर वो हीट पंप के माध्यम से हीट फ्लो जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं घर को, जिससे कि उसका टेम्परेचर एक वार्म टेम्परेचर पर रह सके। ठीक है, तो इसका पर्पज काइंड ऑफ जो आप देख रहे हैं पर्पज़ अलग अलग है, लेकिन आपको देख रहे हैं कि दोनों का जो है बिहेवियर एक दोनों का जो है एक तरह से फ्लो ऑफ वर्क फ्लो ऑफ जो प्रोसेस है वो सिमिलर है, बट इसका पर्पज़ अलग अलग है। एक एक केस में टेम्परेचर लो टेम्परेचर मेंटेन करना, एक एक केस में हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है ना, तो इसी जो इस टाइप के डिवाइसेस के लिए हम लोग इफिशेंसी जो है वो कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं, और उसका ये है कि डिजायर्ड आउटपुट बाय रिक्वायर्ड इनपुट को हम लोग COPR कह रहे हैं, जो कि इस केस में जब रेफ्रिजरेंट है तो डिजायर्ड आउटपुट जो है कूलिंग इफेक्ट होगा। कूलिंग इफेक्ट जो है उस अमाउंट ऑफ हीट जो हम निकाल रहे हैं अपने कोल्ड रेफ्रिजरेंट स्पेस से डिवाइडेड बाई कितना हमें वर्क करना पड़ा W net in। वही अगर हीट पंप की बात करें तो डिजायर्ड आउटपुट जो है वो हीटिंग इफेक्ट है, इस केस में हम लोग QH है क्योंकि इतना अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है हीट घर में, जो भी रीजन जो इसमें आपको मेंटेन करना है टेम्परेचर, तो ये अमाउंट है डिवाइडेड बाय जितना वर्क करना पड़ रहा है। तो दोनों का जो आप देखें कि डिजायर्ड आउटपुट चेंज हो गया, रिक्वायर्ड इनपुट जो है वर्क ही है बट डिजायर्ड आउटपुट चेंज हो गया क्योंकि पर्पस अलग अलग है। जो दोनों जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है इसका आप करें तो इसका रिलेशन इस तरह से निकलता है, अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं QL और QH तो COPHP जो है वो COPR+1 होता है। जैसे मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव है रेफ्रिजरेटर का वो है टू रिमूव जो है QL, हीट हमें निकालना है कोल्ड स्पेस से, और जो ऑब्जेक्टिव है हीट पंप का वो है सप्लाई करना है QH वार्म मीडियम को और वार्म स्पेस पे। ठीक है, तो ये जैसे कूलिंग जो कैपेसिटी होती है अगर बात करें हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो वो
उसको हम लोग कैसे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना जैसे 1 टन का हमारा रेफ्रिजरेंट है, और जैसे अगर फ्रिज हमें खरीदना है बाहर मार्केट में जाते हैं तो वो अलग अलग टनेज का होता है। तो रेफ्रिजरेंट सिस्टम में जो रेट ऑफ हीट जो है जो निकाल रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है, और हमेशा वो टन्स के हिसाब से डिपेंड करता है, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, या उसी के टर्म पे हम लोग बोलते हैं, उसी टर्म्स को हम लोग इसके जैसे भाषा है वही यूज़ करते हैं। और इसका मतलब क्या है, जैसे हम कहें कि 1 टन AC या 1 टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, AC तो अलग चीज़ हो गई, एयर कंडीशनिंग अलग है क्योंकि उसमें आप हवा से बात करते हैं, बट रेफ्रिजरेशन में क्या है कि आपको लिक्विड वाटर से बात कर रहे हैं, आपको रेफ्रिजरेंट फ्रीज करना है कोई चीज़। तो क्योंकि इसमें भी फ्रीज़र में अगर देखें तो जो स्पेस है वो जो है वो कभी कभी हम लोग बिलो ज़ीरो भी जाते हैं, और जहाँ पे फ्रीज़र है वहाँ पे तो डेफिनेटली बिलो ज़ीरो जाते हैं। तो इसलिए कैपेसिटी जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वो वाटर से रिलेट करते हैं, और इसमें जैसे कि अगर आप कहें कैपेसिटी है तो इसको कहेंगे कि अगर 1 टन जो है जो लिक्विड वाटर का 0 डिग्री पे अगर आइस में कन्वर्ट करे 0 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे में, तो ऐसे सिस्टम को कैपेसिटी को हम लोग 1 टन कहते हैं। तो 1 टन का मतलब ये हो गया कि ये वो सिस्टम है, वो कैपेसिटी है जिससे हम 1 टन मतलब 1000 kg ऑफ वाटर को हम आइस में कन्वर्ट कर लेंगे 0 डिग्री पे 24 घंटे में। तो इसका मतलब 1 टन आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कैपेसिटी हो गया है ना, मतलब उसकी उसको हम बोलेंगे 1 टन फ्रिज या रेफ्रिजरेशन, और रेफ्रिजरेटर 1 टन का रेफ्रिजरेटर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम लोग मॉडल कैसे करें इस पूरे सिस्टम को। अगर तो याद करें आप, हमने कार्नोट साइकिल किया था, कार्नोट साइकिल जो है टोटली रिवर्सिबल साइकिल है जिसमें कि दो हमारे रिवर्सिबल आइसोथर्म होते हैं और दो आइसोट्रॉपिक प्रोसेसेस होते हैं। इसकी मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी जो होती है वो गिवन टेम्परेचर लिमिट पे होती है, TH and TL। तो ये स्टैंडर्ड एक बनती है हमारी जो एक्चुअल पावर साइकिल के लिए, एक स्टैंडर्ड बन जाती है, इसलिए एक लिमिट बन जाता है। अगर वो रिवर्सिबल है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, चारों के चारों प्रोसेस को जो है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब उल्टे डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो रिवर्सिंग जो जो साइकिल अगर रिवर्स कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो जो क्लॉकवाइज हो जाता है सब कुछ TS डायग्राम में, ठीक है, तो वो हो जाता है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। और नॉर्मली जो है कार्नोट साइकिल जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज अगर कर दे हम TS डायग्राम में तो निकल के आएगा रिवर्स कार्नोट साइकिल, और कार्नोट साइकिल जो होगा केवल वो होगा क्लॉकवाइज TS डायग्राम में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको इस समझ में आया। अब क्वेश्चन ये होता है क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो यहाँ पे हम अगर कोशिश करते हैं कि रिवर्स कार्नोट साइकिल को एग्जीक्यूट करें सैचुरेशन डोम में तो कैसा निकल के आएगा। तो ये जैसे जैसे हमने कहा कि ये R है, आपको कंप्रेसर में वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के बाद जो एवापोरेटर से निकल के आया, तो एवापोरेटर मतलब कि गैस फेज हो गया, तो यहाँ से आप कंप्रेस करके आपने फिर कंडेंस करा दिया, उसके बाद फिर टर्बाइन से एक्सपेंड करा दिया, और उसके बाद आप लो प्रेशर से फिर आप जो एवापोरेट करके ये गैस फेज में लेके आए। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 जो है वो एवापोरेटर करके क्लोज टू गैस फेज होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे अगर सैचुरेशन डोम की बात कर रहे तो 1 यहाँ पे है, जो 1 यहाँ पे है एवापोरेटर से पहले, ये जब हीट इस पर अप्लाई करेंगे तो नेचुरली ये वेपर फेज में जाएगा। उसके बाद अगर कंप्रेस करेंगे तो ये आपका कंप्रेस होके चलिए आप किसी तरह सैचुरेटेड वेपर में आ गए, फिर आप हीट लूज़ करते हैं तो पूरा का पूरा कंडेंस हो गया। तो 4 आपका, अगर मानते हैं कि 4 आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, तो इसके बाद ये टर्बाइन से होके एक्सपेंड होके ये 2 फेज सिस्टम में आ गया, तो ये 1 हो गया, तो ये सैचुरेटेड वेपर हो गया। ओके, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हम रिवर्स कार्नोट साइकिल जो हमने एग्जीक्यूट किया है, हमने कहा कि ये एक सैचुरेशन डोम जो है रेफ्रिजरेंट सिस्टम का, तो यहाँ पे ये जो फ्लूड है वर्किंग फ्लूड है वो रेफ्रिजरेंट है, इसको याद रखें।
तो ऐसे केस में हमें पता है कि ये टी ये जो काम कर रहा है वो टी एच में करेगा, ये आपका काम करेगा टी एल में। तो नेचुरली सी ओ पी आर हमने पहले भी कहा कि इसको हम लोग जो रेशियो ऑफ क्यू एच बाई क्यू एल को हम लिख सकते हैं, कनॉट में हमेशा ये लिख सकते हैं क्यू एच बाई क्यू एल को टी एच बाई टी एल। तो हम लोग इसको अगर अप्लाई करें तो आपका सी ओ पी आर कनॉट का ये निकल के आता है और इसको ये निकल के आता है जो हीट पम्प का। दोनों केस में अगर आप टी एल को कम कर दे और टी एच को इंक्रीज कर दे तो आपका इफ़ी कोफिशियंट परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें डिफ़िकल्टी है, ऐसे अगर अप्लाई करते हैं आप रिवर्स कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए, तो डिफ़िकल्टी इसलिए है क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप ये अगर ऐसा सिस्टम आता है तो टू एंड थ्री जो है वो टू फेज सिस्टम है, तो ये आपको कंप्रेसर को हैंडल करना पड़ेगा। टू फेज सिस्टम कंप्रेसर बढ़िया ढंग से काम करेगा अगर गैस फेज है, बट टू फेज सिस्टम तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर आप देखिए 4-1 जो आपका एक्सपेंशन है, 4-1 अगेन हाई मॉइस्चर कंटेंट है, ये भी डिफ़िकल्ट है टर्बाइन के लिए, ठीक है। अगर इसका तरीका ये हो सकता है कि चलिए ठीक है आप एक काम कीजिए, फिर ऐसा नहीं करना तो इसको ऊपर ले जाइए, आप इसको और ऊपर ले जाइए और एटलीस्ट एक ले लीजिए ऊपर, जैसे हमने पहले कहा था। उसमें दिक्कत क्या होगा कि वो हाई एसोथर्मल कंडीशन जो बॉयलर का वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेंटेन करने के लिए, और इवापोरेटर का अगर वो हम सैचुरेशन सिस्टम से ऊपर लेके जाते हैं, अलग लेके जाते हैं। इसीलिए रिवर्स कार्नोट साइकिल जो है वो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते कि ये हमारा रेफ्रिजरेंट साइकिल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई रियलिस्टिक मॉडल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स कार्नोट साइकिल रियलिस्टिक मॉडल नहीं है, मतलब कि प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है उसके लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग कुछ और ढूंढते हैं जिसको हम लोग कहेंगे कि आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल। अब एक और बात कहना चाहेंगे कि चाहे ये प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन ये फिर भी एक स्टैंडर्ड की तरह काम कर सकता है, जो कि हम हमेशा चेक कर सकते हैं कि अगर हम लोग करते रिवर्स कार्नोट साइकिल से तो क्या एफिशिएंसी होती, क्या हम लोग उसके बराबर हैं कि नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ये टोटल रिवर्सिबल है। तो ये देखा जाए तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल टोटल रिवर्सिबल है, तो इस मामले में एक लिमिट तो अब दे ही सकता है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो इन प्रैक्टिकलिटी जो हमने देखा है इसमें, ठीक है, जो हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल में, उसको कैसे हटाए। तो पहला कि जो वेपोराइज कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट को, कंप्रेशन जो हमने कंप्रेस करने से पहले जो टू है इसको अगर हम लोग पूरा ही वेपोराइज कर दे कंप्रेस करने से पहले, तो आधा काम, तो आधा इशू कम हो जाएगा कि भाई आपका कंप्रेसर जो है वो टू फेज के सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। तो टू फेज सिस्टम के लिए आपको अगर गैस फेज में काम करेगा तो बढ़िया है, तो इसलिए आप पूरा ही से वेपराइज कर दीजिए, जिससे कि वन जो है वो ऑलमोस्ट वो सैचुरेटेड वेपर में हो। दूसरा कि ये पूरा कंप्रेसर जो है वो पूरा का पूरा जो है जो गैस फेज से निकलेगा, ठीक है, और ये कंप्रेस होगा, और ये टू से थ्री जो थ्री है ये भी एक दिक्कत था, हमने देखा टू से थ्री, तो थ्री टू फोर तो अगर पूरा कंडेंस कर देगा तो आधा प्रॉब्लम कम होगा। तो हमारे जो कंडेंसर्स है वो डेफिनेटली ये सैचुरेटेड लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सैचुरेटेड वेपर हो, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे आधा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि टर्बाइन का है, भाई टर्बाइन जो है अगर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो अगर टू फेज पे काम कर रहा है, करना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि थ्रॉटलिंग वॉल लगा सकते हैं या कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर के बीच में जो है कैपिलरी ट्यूब होती है इस पर्पज़ के लिए, तो अगर हम लोग ये लगाते हैं तो टर्बाइन का इश्यूज़ कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा सैचुरेटेड मिक्सचर में निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। इसमें जो ये थ्रॉटलिंग वॉल्व है, जो ये आपका प्रोसेस है, जिस जो कि ये वाला प्रोसेस है, इसमें इस कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड होगी, ठीक है। चलिए अब लोग इसको ड्रॉ डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। आपका ये आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जो वन जो मैंने कहा था फर्स्ट है जो कंप्रेसर से पहले जो इनलेट है वो आपका सैचुरेटेड वेपर है, यहाँ से आप जा रहे हैं टू पे,
जो कि आपके कंप्रेसिंग कंप्रेस किया हुआ है, जो कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने आइडल माना हुआ है। उसके बाद 2 से 3 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है इन अ कंडेंसर, कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर है। नोट कीजिए हमने क्या किया, 2 को भी हमने सुपर हीटेड कर दिया। तो पहले क्या था आपका, इस ये जो पॉइंट था जहाँ पे 3 है वो सैचुरेटेड वेपर था, तो ये तो हमने यहाँ लेके आए, चेंज किया। उसके बाद हमने यहाँ पे लेके आए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा कि ये अब हम ऐसे करके इस तरह से हम लेके आएंगे। तो एग्जैक्टली हमने ऐसे किया कि इसको सुपर हीटेड, दैट मीन्स 2 जो पॉइंट है, जो कंप्रेसर से निकला हुआ है पॉइंट, वो आपका सुपर हीटेड आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 to 4 ये आपका आ गया थ्रॉटलिंग। इसीलिए ये होता तो टर्बाइन होता, चूँकि यहाँ पे इस प्रोसेस में इंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, केवल इंथाल्पी कांस्टेंट है, तो ये निकल के आ रहा है थ्रॉटलिंग जो है वो, ये 3 to 4 थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। तो ये ऐसा कर्व दिख रहा है जो कि आपको ग्रीन दिख रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद 4 to 1 जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये खासतौर पर ये काफ़ी यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर, एसी एंड हीट पंप्स में। सीओपी जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर 2 से 4%, अगर आप जो टीएल है उसको आपने बढ़ा दिया और टीएच को आपने घटा दिया, तो इससे आप जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं सीओपी, वो आप देख भी सकते हैं कार्नोट का जो एक्सप्रेशन है उससे। अब अगर ऐसे आइडल वेपर कंप्रेशन को अगर आप बैलेंस करें तो वो नॉर्मली स्टेडी फ्लो माना जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेडी फ्लो एनर्जी बैलेंस में ये निकल के आता है जो हमने पहले भी किया था। इसमें कंडेंसर और एवेपोरेटर जो है कोई वर्क तो करता नहीं है, और कंप्रेसर को भी हम लोग एडिबेटिक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ये आपका स्टेडी फ्लो डिवाइसेस हैं। ऐसे में आपका सीओपीआर जो है वो ये निकल के आता है क्यूएल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट। और क्यूएल जो है आपका जो यहाँ पे है, ये आपको अगर पीएच की बात करें तो पीएच में ऐसा दिखेगा, टीएस में ऑफ कोर्स हमने जैसा ऐसा कहा था टीएच में ऐसा दिखेगा, बट क्यूएल क्या है, क्यूएल निकल के आएगा H1 - H4, तो यही आपका दिखा रहा क्यूएल। और डब्ल्यू नेट इन क्या है, डब्ल्यू नेट आपका यहीं से आया, नेट इन आपका यहीं पे आया, क्योंकि आपका जो एक्सपांशन वॉल्व है, ये जो थ्रॉटलिंग वॉल्व है, ये इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, केवल वर्क इन इसमें है, तो ये H2 - H1 होगा, तो ये आपका नेटवर्क इन हो गया। इसी तरह COP HP भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और H1 जो है आपका गैस फेस जो वेपर है एट P1 होगा, और H3 जो है HF एट PV3 होगा। तो H1 ये है और H3 ये, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान दीजिएगा, जो कि कंस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर बात करें केवल लाइक नॉर्मल जो हमारा जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेंट सिस्टम है उसमें अगर बात करें, तो ये आपका कंप्रेसर पीछे होता है, ये आपका कंडेंसर है, ठीक है। अब कंप्रेसर के बाद तो कंडेंसर पे जा रहा है, फिर जाता है एक्सपेंशन वॉल्व जो कि ये कैपिलरी ट्यूब की तरह काम कर रहा है, ये है, फिर आता है एवोपरेटर। तो ये है आपका प्रोसेस, ये इस तरह से पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका काम कर रहा है। ये आपका एवोपरेटर है जो कि बाहर जो एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहा है, और ये आपका जो है कंडेंसर कॉइल जो है वो बाहर निकाल रहा है। तो नोट कीजिए कि ये किस तरह से ये नॉर्मल अपना जो है काम करता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एग्जांपल लेते हैं जो कि एक आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का एग्जांपल है। इसमें इसमें 0.14 और 0.8 के बीच में काम कर रहा है सिस्टम। अच्छा, इसमें मास फ्लो रेट जो दिया है वो 0.8 है, तो 0.14 और 0.8 MPa का जो दिया है वो ये लिमिट है, एक तो एवेपोरेटर का लिमिट है और एक आपका कंडेंसर का लिमिट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन स्पेस विच जो कि क्यूएल है, तो क्यूएल निकालना है, और पावर इनपुट टू द कंडेंसर कंप्रेसर जो डब्ल्यू इन है, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द एनवायरनमेंट जो कि QH है, और COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहले तो ये TS डायग्राम तो दिया हुआ है ऑलरेडी, और इसको हम मानेंगे कंप्रेसर जो है वो आइसेंट्रॉपिक है, रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से निकल रहा है
वो कंडेंसर निकल रहा है वो सैचुरेटेड लिक्विड की तरह यहाँ पे आता है, तो ये भी हम मानेंगे। और ये भी हम मानेंगे कि इवापोरेटर जो है फाइनली कंप्रेस करके सैचुरेटेड वेपर बना रहा है। तो ये हमें एजम्पशन ले रहे हैं और इसके बेसिस पे ये डायग्राम दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आपको स्टेट की प्रॉपर्टीज़ निकालनी है। तो P1 जो है स्टार्ट करते हैं स्टेट वन से। सो स्टेट वन आपका जो है P1 जो है आपका 0.14 मेगा पास्कल है। और इसके इसमें आपका रेफ्रिजरेंट जो डेटाज हैं वो टेबल वहाँ के टेबल से यूज़ करने पड़ेंगे जो रेफ्रिजरेंट टेबल पे है। तो मैं डेटा ऑलरेडी लिखता हूँ, इसमें आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं टेबल से, तो इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इन जनरल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि आपको मैं डेटा यहाँ पे दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ सके कि किस तरह से है। तो ये अगर टेबल से अगर चेक करेंगे 0.14 मेगा पास्कल पे जो कि सैचुरेटेड सिस्टम है, यहाँ से आपको निकालना होगा H1 जो है वो H वेपर जो वेपर या गैस या वेपर होगा, तो वेपर भी लिख सकते हैं या HG भी लिख सकते हैं, लेकिन ये H.14 मेगा पास्कल है, ठीक है। और आपका ये S1 भी जो है वो S वेपर @0.1 और G मान लीजिए SG.1 मेगा पास्कल हो गया, ठीक है। अब स्टेट टू की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि P2 जो है वो 0.8 मेगा पास्कल है, और ये भी पता है कि S2 जो है वो S1 है जो हमें पता है यहाँ से टेबल से, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये डेटा करें तो आप टेबल जो यूज़ करेंगे आप इंट्रॉपी का ये डेटा यूज़ करेंगे, वहाँ से फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन और कि भी कौन से टेम्परेचर पे है जो ये निकल के आता है, और इसके इंथाल्पी आप निकालेंगे फिर, तो इंथाल्पी निकल जाता है 275.40 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। ये सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने पहले भी किया था, इसमें कोई दो प्रोसेसेस नहीं है, कोई नया कोई चेंज नहीं है। बस इसमें बस ये है कि आपको समझना है कि ये आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल क्या होता है और कैसे उसका TS डायग्राम निकालते हैं और क्या क्या इसके बेसिक एजम्पशंस होते हैं। एक बार आपको वो समझ में आया तो बाकी चीज़ें जो हैं वो टेबल एक्सट्रैक्शंस है, प्रॉपर्टी को लिखना है, इंथाल्पी और बाकी डेटाज हमें डालने हैं, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी P3 की बात करते हैं। P3 आपका 0.8 मेगापास्कल है, बट ये चूंकि सैचुरेटेड लिक्विड है तो हमें पता है कि H3 जो है वो HF@0.8 मेगापास्कल होगा, ठीक है। और ये आपकी ये इम्पोर्टेंट है, ये निकल जाएगा। और H4 जो है स्टेट फोर में H4 जो है वो H3 तक है, सेम है क्योंकि इसमें मानते हैं इंथाल्पी कांस्टेंट है, ये थ्रॉटलिंग वाल्व में इंथाल्पी कांस्टेंट मानते हैं, और इसीलिए H4 की वैल्यू भी आपकी सेम आ जाएगी। अब इससे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, अगर आपको पता करना होता कि यहाँ पे इसका कंपोजिशन क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, तो अलग बात होती, तब तो आप इसको यूज़ करते और आप 0.14 मेगापास्कल यूज़ करते हैं, उसके बाद वहाँ से क्वालिटी निकालते हैं, क्योंकि आपको ये जो है H4 को आप लिख सकते हैं HF+HFG, तो ये सब ये जो डेटा है और ये @0.14 मेगापास्कल लिख सकते हैं, ऐसे में आपको फिर क्वालिटी भी मिल जाती है इसमें। चलिए आपको H4 तो पता है, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें रेट ऑफ हीट जो हमें निकालना है QL निकालना है। QL क्या होगा? QL आपका H1 - H4 होगा। QL आपका H1 यहाँ पे H1 - H4 होगा। और QH क्या होगा? QH आपका 2 - 3 होगा, और इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देंगे हम m डॉट, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो कि 7.19 किलोवाट होता है। इसी तरह आप डब्ल्यू इन जो है वो निकालेंगे, वो आपका H2 - H1 होगा m डॉट, और QH क्या होगा? QH आपका m डॉट H2 - H3 होगा। अच्छा, ये हम लोग QH वैसे भी निकाल सकते हैं कि QH जो है आपका QL+WIN होगा, ये बैलेंस भी हम लोग
यूज़ कर सकते हैं, और एक बार आपने क्यू एल निकाला, डब्ल्यू इन निकाला, तो क्यू एच आपको निकल सकता है। अब बात करते हैं कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस की। तो कोफिशेंट परफॉर्मेंस पता ही है फॉर ये रेफ्रिजरेंट का, डब्ल्यू क्यू एल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इन, तो ये आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सिंपल सा एक्सरसाइज किया है, बट आमतौर तो पे ये आइडियल तो होगा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं इरिवर्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। जहाँ पे भी है वो अगर कोई फ्रिक्शन होता है तो वो प्रेशर ड्रॉप करेगा, हीट ट्रांसफर की वजह से भी हो सकता है। तो इस केस इस वजह से नॉर्मल जो आपको डायग्राम मिलता है वो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें जैसे वन यहाँ पे गए, 7 से 8 पहुँचे, फिर वन पे आप आए, और वन आपका कंप्रेसर है, 1 से 2, 2 से 3, इसके बीच में भी आपका प्रेशर ड्रॉप हो सकता है ना, 3 to 4, 4 to 5, 6, 7, इस तरह से डेटा से। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो है आपको डायग्राम मिल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। तो इस प्रश्न में हम लोग जो कुछ और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसमें जैसे कि इस वाले केस में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाया है कि इस वाले केस में हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाया है कि इसमें सब कुछ प्रेशर ड्रॉप भी हो रहा है, जो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग अभी एज्यूम करेंगे कि प्रेशर ड्रॉप जो है इस वाले एग्जाम्पल में वो कोई है नहीं, ज़ीरो है, केवल जो आपका कंप्रेसर है उसी में आपका इरिवर्सिबिलिटी है, वो आपका उसमें आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा। ऐसे केस में आप इस एग्जांपल को हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने में। तो इस केस में आपके पास बाकी ये जो डेटा है वो दिया हुआ है, 0.15 मेगापास्कल पे इवेपोरेटर काम कर रहा है, आपका कंडेंसर के जो वैल्यू है वो 0.8 मेगापास्कल दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका -10 डिग्री पे है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो इंटर करता है कंप्रेसर पे वो सुपर हीटेड वेपर पे इंटर कर रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, और 0.1 10 -10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सैचुरेटेड पे इंटर नहीं कर रहा है, ये सुपर हीटेड पे कर रहा है, नोटिस कीजिए। और वो निकल रहा है 0.8 मेगापास्कल 50 डिग्री, जो कि ये है। रेफ्रिजरेंट इज कूल्ड इन द कंडेंसर टू 26 डिग्री 0.72, तो ये कूल होके 26 डिग्री यहाँ पे आ गया, 0.72 मेगापास्कल पे आ गया। ओके, और उसके बाद फिर थॉटल होके ये पॉइंट में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 0.8 ये है, और बाद में हम जब गए यहाँ पे तो यहाँ से आपका इधर इस पॉइंट पे आ गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन उठता है। तो प्रोसेस वही है, आपको हर स्टेट का इन्फॉर्मेशन निकालना है, प्रॉपर्टी डेटा निकालना है जो आप टेबल से निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टेट वन से। ठीक है, स्टेट वन में आपका P1 जो है आपका 0.14 मेगापास्कल है, और ये T1 जो है -10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यहाँ से आप टेबल निकालेंगे, देखेंगे रेफ्रिजरेंट 134A का, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा H1। ठीक है, तो ये H1 मिल जाएगा आराम से टेबल। तो ये आपका सैचुरेटेड, ये इस केस में सुपर हीटेड टेबल आप देखेंगे, और आराम से आपको H1 मिल जाएगा। स्टेट टू जो है ये भी आपका दिया हुआ है, P2 जो है आपका 0.8 मेगापास्कल है, और T2 जो है 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से भी ये सुपर हीटेड कंडीशन में ये मिल जाएगा। स्टेट थ्री जो है ये आपका कंप्रेस लिक्विड है, इसमें 0.72 मेगापास्कल है, ठीक है, और T3 जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि S3 को हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे HF एट 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप सैचुरेटेड टेबल चेक करेंगे, उसमें आप HF लेंगे 26 डिग्री का टेम्परेचर वाला, और ये आप यूज़ करेंगे। अब बचा स्टेट फोर। नाउ स्टेट फोर में बेसिकली क्या है कि H4 जो है वो S3 है, तो ये तो थ्रॉटलिंग है, तो इसमें हम डायरेक्टली कर लेंगे। तो आपको पास बेसिकली सब तरह सब डेटा का इंथाल्पी आ गया है ना, सब तरह सब स्टेट का इंथाल्पी आ गया है। अब क्वेश्चन है आपके पास कि QL क्या है, तो QL तो वही रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था, H1 -H3, और H अगर बोले तो वो आपका टोटल हो जाएगा, इसमें आपका H2 -H3, ठीक है, और डब्ल्यू इन बोले तो वो है आपका M.H2 -H1। तो इसमें जो क्वेश्चन हमें पूछा था वो तो हमें पूछा गया था कि हीट कितना रिमूव कर रहे हैं QL,
और पावर इनपुट कितना है। तो बेसिकली हमें इसका और इसकी बात कर रहे हैं हम, जो हमें चाहिए, जो हमें निकाल सकते हैं क्योंकि ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि बाकी क्वेश्चंस में ये तो हमने निकाल दिया रेट वाला, रेट ऑफ दिस एंड पावर इनपुट। अब एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालना है, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस। सो एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको ये देखना है कि एसेंट्रोपिक का मतलब ये है कि किस आइडियल से आपको कंपेयर करना है। तो इस केस में आप अप्रॉक्सीमेट जो कहते हैं वो ये है कि एस टू एस, क्योंकि अब एक्चुअल में तो ज़्यादा वर्क होगा, तो ये हो गया आइडियल केस में, एसेंट्रोपिक केस में डिवाइडेड बाई जो एक्चुअल है, 2 - H1। नाउ एस टू एस निकालने के लिए, क्योंकि H1 तो फिक्स है, एस टू एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एस टू एस मतलब ये स्टेट। इस केस में आपका 1 का एंट्रोपी 2 के एंट्रोपी के बराबर होगा। सो P2 जो है वो तो आपका 0.8 MPa है, और S जो है आपका 2S जो है वो S1 है। तो ये डेटा हमें पता ही है पहले, तो यहाँ से दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कहाँ पे ये डेटा फिट होता है इस टेबल में जो है, और वहाँ से हम निकालेंगे एंथैल्पी, वो जो पता चल जाएगा। तो उसके बाद फिर हम डेटा को आइडेंटिफाई कर लेंगे किस कंडीशन में, जैसे कि इस केस में वो कौन से टेम्परेचर पे है, और फिर उसके हिसाब से उसी कंडीशन पे आपका एंथैल्पी निकल जाएगा जो 2S होगा, और ये निकल के आ जाएगा आपका जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू यहाँ निकल के आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इस डेटा से आप निकाले कौन सा टेम्परेचर पे है, और इस टेम्परेचर पे आपका एस टू एस निकल जाएगा। तो ये टेबल से यूज़ करना होता है ये चीज़, और यहाँ पे आपका फिर ईटा, आपको जब ये मिल जाएगा, ये पता ही है हमें, ये पता ही है, ये पता ही है, तो ईटा भी मिल जाएगा इसमें, जो कि इस केस में 93.8% है। ठीक है, अब आपके पास जो है आखिरी क्वेश्चन है जो कि COPR है, COPR ये आपका QL.DIW.IN है। ठीक है, तो ये पूरा रेफ्रिजरेंट का जो है वो 3.93 निकल के आ रहा है। इसी तरह के प्रश्न आपको और मिलेंगे, आप सिस्टमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं इस पे हर चीज़ पे आप सेकंड लॉ ऑफ एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग चर्चा में नहीं करेंगे, इस लेक्चर में चर्चा नहीं करेंगे, पर आप किताब जो इसका टेक्स्ट बुक है उस पर देख सकते हैं, उसमें काफ़ी एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेकंड लॉ ऑफ एनालिसिस का, जो कि आप रेफ्रिजरेशन साइकिल में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप राइट जो सही रेफ्रिजरेंट को चूज़ कर सकें। तो बात करते हैं अभी राइट रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करने का, कैसे आप सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप रेफ्रिजरेंट जो भी यूज़ करते हैं उसमें आपका ये क्लोरो फ्लोरो बेस्ड कंपाउंड रहता है, और ये आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है इसको रिड्यूस करने का, जिससे कि आपको ओजोन लेयर को इफेक्ट ना करे। तो आमतौर पे तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करते थे, अभी भी काफ़ी हद तक यूज़ हो रहा है, लेकिन बैन है कई जगह। दूसरे ऑप्शन से अमोनिया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन प्रोपेन जो है वो काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है, वो हाइड्रोकार्बन का कंटेंट कम है, और ये एक तरह से ओजोन से थोड़ा सा फ्रेंडली है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, इवन वाटर भी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट के तौर पे। जो ख़ास तौर से ये जो कंपाउंड है ये आर है, ये सब जो है 90% जो है मार्केट में यही चलता है, इंडस्ट्रियली और हैवी कमर्शियल सेक्टर में अमोनिया ज़्यादा चलता है, जो कि टॉक्सिक है एक तरह से। तो इसको ज़्यादा प्रिफर नहीं कर रहे हैं, बट आगे जाके क्योंकि अमोनिया का यूज़ कई और जगह होगा, तो इसलिए उस पर भी कंट्रोल, या क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है लोगों का इन जनरल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, बट फिर भी इसका यूज़ है। जो वाटर चीलर होता है उसमें R11 यूज़ होता है, R134 जो है वो इसको रिप्लेस कर दिया गया है, जो R12 है वो रिप्लेस हुआ है, लेकिन जो कि डैमेज करता था अभी तो यही यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके भी और वेरिएंट आ गए हैं, R22, फिर ब्लेंड भी आ गए हैं। तो आमतौर पे क्या हो रहा है कि जो जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है उसके साथ मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि ओजोन फ्रेंडली हो, और इसी पे मैक्सिमम ध्यान दिया जा रहा है कि एक तो इन्वायरमेंटली
जो है रेफ्रिजरेंट जो है फ्रेंडली होना चाहिए ओजोन लेयर पे। तो इस पे इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि किस तरह से आप अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट ढूंढें जो कि ओजोन फ्रेंडली हो और फिर भी ये आपका जो है काम कर सके, जो इसका पर्पस है। जो दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि सिलेक्शन में कंसिडर करना पड़ता है वो है कि टेम्परेचर है किस मीडिया का, जो कि रेफ्रिजरेंट स्पेस है और इन्वायरमेंट है जिसपे कि ये आप एक्सचेंज हीट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे कौन सा आप चूज़ करेंगे वो वेरी कर सकता है। तो अभी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं नए नए रेफ्रिजरेंट आने का, उसमें केवल इंडिया ही नहीं कई और कंट्रीज़ भी इस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे ह्यूज प्रॉस्पेक्ट है बढ़ने का रेफ्रिजरेंट का। क्योंकि अभी एसी हमारे कंट्री में वैसे भी एसी का यूज़ अभी बहुत ही लिमिटेड है हुआ है, और जब ये जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और अपलिफ्टिंग होगी, मतलब गरीबी से ऊपर लोग आएंगे, वैसे वैसे आपका एसी और बाकी चीज़ों का यूसेज बढ़ता चला जाएगा। तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस पे काम करना बहुत बचा हुआ है इंडिया को और बाकी कंट्रीज़ को भी। अभी बात करते हैं इनोवेटिव वेपर कंप्रेशन रिफ्रेशन साइकिल का। इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये है कि जो आमतौर पे रेफ्रिजरेशन है इसको काफ़ी कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, जिसे हम लोग कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो नॉर्मली जो है ऑर्डिनरी वाला जो सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव है, लेकिन लेकिन इफ़िशियंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इफ़िशियंट सिस्टम चाहते हैं तो कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। ओके, तो वैसे तो सिंपल वेपर कंप्रेशन जो हमने अभी देखा वो सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी है हमारे मेजर काम के लिए, ठीक है। बट इंडस्ट्रियली जो है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी चाहिए होता है और उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे केस में आपको ये जो सिंपल वेपर कंप्रेशन रिफ्रेशन साइकिल है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन के कई पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, कई तरीके हैं, और जैसे कि कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मल्टी स्टेज कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मल्टीपर्पस रेफ्रिजरेशन सिस्टम सिंगल कंप्रेसर के साथ, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, और बहुत ऑप्शंस होते हैं इस पे। हम लोग बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अगर इंटरेस्ट है इस पे और समझने का तो वो आप किताब भी पढ़ सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट बुक है, उसके बाद उसको और अध्ययन कर सकते हैं, या आप लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं उसके बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कास्केट की बात करें तो कास्केट काम आता है जब आपका टेम्परेचर जो है रेंज बहुत ज़्यादा है, तो लो टेम्परेचर से बहुत हाई टेम्परेचर अगर जा रहे हैं तो रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आप एक जो वेपर कंप्रेशन साइकिल वो काम नहीं करता, इसीलिए आप दो दो लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो एक तरह से ये एक एग्ज़ाम्पल है दिखाने का कि किस तरह से दो आपके कंप्रेशन साइकिल लगे हुए हैं जिससे कि आपको कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा है, और ऐसे में आपका TS डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक है और ये दूसरा है, और इसकी वजह से अगर आप एक करते सपोज तो कुछ इस तरह से होता, इस तरह से होता, ठीक है, तो इतना बड़ा होता। तो उसी चीज़ को हमने दो में कर दिया है कि आपका ये भी पार्ट है, तो इसकी वजह से कुछ जो है कैपेसिटी हमारी कूलिंग की बढ़ गई और कुछ जो है वर्क हमने कम कर दिया। तो इस तरह से एक इफ़िशियंट बन गया टू कास्केडेशन सिस्टम, ज़्यादा वैल्यूबल हो गया हमारे लिए। तो इसीलिए ये सॉल्यूशंस काफ़ी यूज़ होते हैं। जैसे मैंने कहा इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत समय भी लग सकता है, और लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, कई टेक्स्ट बुक में जो एडवांस टेक्स्ट बुक है उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें और आप डीपली पढ़ सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं। जो कोई एग्जाम्पल्स पढ़ है अपने जो जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो समरी के तौर पे हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल समझने की कोशिश की, जो कि हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल से समझने की कोशिश की, और रेफ्रिजरेशन और हीट पंप जो है ये उससे है जिसमें कि आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर लेके आते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके लिए आपको स्पेशल डिवाइस चाहिए जिसे हम लोग ये कहते हैं रेफ्रिजरेटर्स और हीट पम्प। और हमने ये कहा कि रिवर्स कार्नोट साइकिल सफिशेंट नहीं है, इसके लिए हमने आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को यूज़ किया, और फिर हमने बोला कि भाई इसमें तो इरिवर्सिबिलिटी हो सकती है, तो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में चर्चा की और कुछ हमने प्रश्न भी किए, और फिर बात की कि रेफ्रिजरेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि रिसर्च बहुत किया जा सकता है,
रेफ्रिजरेंट सिलेक्शंस के लिए, और नए नए रेफ्रिजरेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। और फाइनली हमने कहा कि भाई वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम जो है वो और को इसको इनोवेट कर सकते हैं, क्योंकि कई जो इंडस्ट्रियली जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, जो जिसके डिमांड कहते हैं, वो एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम से, एक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम से नहीं हो सकता है। इसको हमें दो या कैस्केडिंग या कई और तरीके से हम लोग को करना पड़ता है। तो उस तरह से कई कई क्रिएटिव जो है वो पे कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम जो है वो उसका निर्माण किया गया है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। हम यहाँ पे रोकते हैं ये पावर और गैस पावर साइकिल्स और वेपर कंप्रेशन साइकिल को। अब हम लोग अगले लेक्चर में दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, ओके, जो कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ पे होगा। फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।